सर अदानी पोर्ट्स देखिए जी, अदानी पोर्ट्स में काफी शार्प करेक्शन पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला, और करेक्शन के बाद स्टॉक का जो सपोर्ट जो है 770 760 लेवल्स को भी एक बार टेस्ट किया है, और वापस से स्टॉक वहां से एक बार बाउंस दिखाने को मिला, बाउंस दिखाने के बाद नीचे आया। इन इन लेवल्स में नई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। एग्जिस्टिंग किसी की पोजीशन पे मैं स्टॉप लॉस बता देता हूँ, 770 के नीचे अगर स्टॉक एक बार अब निकले तो उसमें से एग्जिट कर जाना चाहिए। अदरवाइज ऊपर जब तक ये स्टॉक अब 830 832 का लेवल नहीं निकालता तब तक इसमें तेजी का मोमेंटम ये वापस से नहीं स्टार्ट होगा, तो इस स्टॉक को फिलहाल अवॉइड करें। चाहे अगर मैं 900 रुपए के ऊपर से फंसा हूँ, एंट्री है मेरी, तो मेरे लिए क्या रहा है जी अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर क्योंकि 900 के ऊपर अगर आपने ऐड किया है और शॉर्ट टर्म पोजीशन है तो इसमें बहुत बार बहुत सारे लेवल से जहाँ पे निकल जाना चाहिए तो बहुत सारे स्टॉप लॉसेस थे, 3 या 4 स्टॉप लॉसेस उस लेवल के बीच में आता है। क्योंकि अगर आपने 900 पे अगर लिया है ब्रेकआउट को देख के तो पहला स्टॉप लॉस 775 के आसपास आता है, अब वहां से 100 रुपए नीचे खड़ा है, तो अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो इसमें कुछ भी अब किया ही नहीं जा सकता, वो भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म की पोजिशन अगर है तो इसमें अभी भी बने रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म में कुछ भी चार्ट खराब नहीं हुआ है। अगर 1.5 साल 2 साल का इसमें नजरिया लेके कोई ले चला हुआ है तो हाँ बिल्कुल इसको रखा जा सकता है। उस कंडीशन में अगर स्टॉक आप कभी भी 735 725 के नीचे वीकली बेसिस पे क्लोजिंग दे, फिर जिसने लॉन्ग टर्म के हिसाब से 2-3 साल के हिसाब से पोजीशन बनाई तो फिर उसको एग्जिट किया। ये है अदानी पोर्ट्स पे।